नमस्कार दोस्तों, मैं हूं कुंदन साहू और आज की वीडियो में हम देखेंगे मॉर्निंग सिकनेस ड्यूरिंग प्रेगनेंसी यानी कि गर्भावस्था के दौरान उल्टी या मितली लगती है फर्स्ट ट्राइमेस्टर में, वह क्यों लगती है और इसको रोकने के घरेलू उपाय और इसकी दवाई के बारे में आज हम जानेंगे। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं गर्भावस्था के दौरान प्रथम तिमाही में लगभग 80% गर्भवती महिलाओं को उल्टी या मितली की शिकायत होती है, जिसके वजह से उनका वजन कम होने लगता है और घर वाले ये सोचते हैं कि वजन कम हो रहा है तो बच्चे का भी वजन कम हो जाएगा। तो ऐसा कुछ नहीं है, प्रथम तिमाही में 2 से 3 किलो वजन कम होना स्वाभाविक है यदि मॉर्निंग सिकनेस की समस्या हो रही हो तो। यह गर्भावस्था के दौरान हमारे शरीर में होने वाले हार्मोनल चेंजेस के कारण होता है। जब कोई महिला गर्भवती होती है तो उसके बॉडी में HCG हार्मोन का जो लेवल है वो हाई हो जाता है, बढ़ जाता है, जिसके वजह से हमारे जो मुंह का टेस्ट है वो बदलने लगता है और इस कारण से हमें मितली या उल्टी होती है। घरेलू उपायों से जो मितली या उल्टी की समस्या है वो कुछ हद तक ठीक की जा सकती है। जैसे कि अधिकतर गर्भावस्था में सुबह के समय मितली या उल्टी होती है, तो आप सोकर उठते ही, बिस्तर से उठते ही जस्ट बिना ब्रश किए कुछ नमकीन या कुछ चटपटा चीज़ जो आपका फेवरेट हो उसको थोड़ी मात्रा में आप खा लीजिए, जिससे उल्टी या मितली आपको नहीं आएगी। खाना थोड़ा थोड़ा करके खाइए, एक दिन में 4 बार 5 बार थोड़ा थोड़ा करके खाना खाइए, इकट्ठा खाना ना खाएं, हेवी खाना ना खाएं, ऑयली और स्पाइसी जो भोजन है, जो बहुत मसालेदार या तेल युक्त जो भोज्य पदार्थ हैं, फास्ट फूड वगैरह है, टी कॉफ़ी कोल्ड ड्रिंक इत्यादि चीज़ों से परहेज करें। पानी फुल मात्रा में पिए, क्योंकि उल्टी होने की वजह से हमारे शरीर में डिहाइड्रेशन हो जाता है, तो उसको हाइड्रेट करने के लिए पानी आप फुल मात्रा में पीजिए। जितना हो सके लिक्विड चीज़ों का सेवन कीजिए। गर्भावस्था में यदि मितली या उल्टी हो तो उसके लिए एक विशेष दवाई आती है, डॉक्सिलामिन प्लस विटामिन B6 की कॉम्बिनेशन वाली एक मेडिसिन आती है जो मार्केट में डॉक्सीनेट प्लस के नाम से आती है। इसके अलावा अलग अलग एरिया के हिसाब से अलग अलग नामों से भी यह मिलता है, तो ज़्यादा जो प्रचलित जो चलने वाली दवाई है वो डॉक्सीनेट प्लस है। इसमें डॉक्सिलामिन और विटामिन B6 मिला हुआ होता है। इसको गर्भवती महिला को दिन में 2 बार खाना खाने के 1 घंटे पहले खाली पेट लेना है। ज़रूरत के हिसाब से इसको यदि उल्टी की समस्या ज़्यादा हो तो दिन में 3 बार भी लिया जा सकता है। यदि डॉक्सिनेट प्लस से वोमिटिंग कंट्रोल ना हो तो ओंडास्टेरोन भी दिया जा सकता है, या प्रेगनेंसी में सेफ होता है, इसका इंजेक्शन भी आप लगा सकते हैं जो वोमिकाइड नाम से मेडिकल स्टोर में मिलती है। कुछ कंडीशन में आप ही आप फर्स्ट ट्राइमेस्टर के बाद जो वोमिटिंग या मितली की समस्या है वो ठीक हो जाती है, कोई दवाई खाने की ज़रूरत नहीं होती है। कुछ घरेलू उपायों से आप इससे छुटकारा पा सकते हैं। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।